सांसद रवि किशन ने बुधवार को बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर सांसद रवि किशन ने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विकास परियोजनाओं की सराहना की, साथ ही बच्चों को हेयरिंग एड उपकरण भी वितरित किए गए। सांसद रवि किशन ने कहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है। बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज का कायाकल्प हुआ है और जो कभी बदहाली का शिकार था, आज वो अपनी उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाना जाता है। ये मुख्यमंत्री योगी के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन का परिणाम है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने इस संस्थान की तस्वीर ही बदल दी है। आज यहाँ उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। सांसद रवि किशन ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ऐतिहासिक विकास कर रहा है। ये एक सत्य है कि इस सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में जितना काम किया है उतना आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। आज भारत विकास पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। इस 25 करोड़ की इमारत में जिले ताली बजाइए आप। भारत सरकार का अल्प दृष्टिवान कुछ उपचारित व्यक्ति लेबोरेटरी बाज करा के वो भी क्योर्ड होगा, चलने में थोड़ा दिक्कत है जिसको, उसका इलाज बराबर होगा, उसको पूरा फिजियोथेरेपी के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाए, डॉक्टर आइया गोड़ का मालिश हुई, पूरा ओके बोन्स का देखल जाए, ब्लड सर्कुलेशन जहां कम बा ओके प्रेशर पॉइंट से दबा के ठीक कर जाए, तो ये सारी चीजों का इलाज है। अब भारत, नया भारत, मोदी जी का भारत, योगी जी का भारत, उत्तर प्रदेश, ऐसा कोनो बीमारी नहीं है जगह इलाज नहीं है पॉसिबल। खाली अपने के संयम रखेगा, जो बेस्ट मेडिसिन बात बेस्ट दवा है पॉजिटिविटी। बच्चों को ऊर्जावान रखो, उसको बोलो आप कर सकते हो, आप सक्षम। बच्चे लोगन के, बिटिया लोगन के, बेटा लोगन के कहो कमजोर मत करिया, बोलो कर सकते हो बेटा, बेटी कर सकते हो, उम्मीद जरूर देना। उससे ज्यादा बीमारियां मेंटली ठीक काफी होती है। डिप्रेशन ना हो के चाहे कि मानसिक स्थिति के एकदम ताना मार मार के लोग करते हैं या कुछ करते हैं या डांट देते हैं, गुस्सा करते हैं, ये सब पाप है। उससे बच्चा और कमजोर हो जाएगा, उसको मजबूती दो कि दौड़ सकते हो, तुम चल सकते हो, सुन सकते हो, देख सकते हो, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो जाओगे। इलाज बा, 25 करोड़ का बिल्डिंग बनल बाटे, बढ़िया बढ़िया डॉक्टर आई, मोदी जी बाड़न ध्यान देता, योगी जी बाड़न ध्यान देता, करवा पढ़वा के पूरा नौकरियों मिली, उनका जिंदगी बनी, आम बच्चों की तरह उनका शादी ब्याह भी होगा, उन लोगों का भी परिवार होगा, कुल मशीन बा, हर चीज का इलाज है। 25 करोड़ का सोची खाली दिव्यांग जन के लिए बना है। आप लोग एवरीथिंग इज पॉसिबल, रिमेंबर वन थिंग, इम्पॉसिबल शब्द ही उसकी स्पेलिंग अगर इम्पॉसिबल की पढ़ोगे तो सेंस की आई एम पॉसिबल। ऐसा कोई बीमारी नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती, लेकिन उसका वक्त पर इलाज ही होगा। उस पर हम लोग केयरलेस ना रहें, उस पर हम लोग ध्यान दें, अपने आके यहाँ रेगुलर अगर इलाज पे आ रहे हैं तो रोज आना होगा, ट्रीटमेंट जैसे डॉक्टर बता रहे हैं, डॉक्टर साहब ये संस्थान बता रही वैसे लेना होगा, मेडिसिन प्रिकॉशन सब कुछ करना होगा और उसका धीरे धीरे इलाज जरूर होगा। बस इन शब्दों के साथ मैं आप लोग सभी लोगों का, जितने दिव्यांगजन परिवार यहाँ आए हैं, मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ।